नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। शाहजहांपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए बदमाश। रात के अंधेरे में एक घटना को अंजाम देने जा रहे थे बदमाश। 5 बदमाश कैमरे में हुए कैद। वीडियो देखने में बहुत ही डरावने और शातिर लग रहे हैं बदमाश। काले कपड़े पहने हुए थे बदमाशों का पूरा गैंग। शातिर बदमाशों के इस गैंग से दहशत में पूरा गांव। ग्रामीण रात रात भर जाग कर बदमाशों की तलाश में जागते रहो के लगा रहे हैं आवाजें। पुआए के बाद खुटार थाना क्षेत्र में भी देखे गए बदमाश। बदमाशों की तलाश में एसपी ने पुलिस की कई टीमें बनाई। आसपास के जिलों की पुलिस से भी एसपी ने किया संपर्क। कैमरे में कैद हुए बदमाशों के गैंग को बहुत ही जल्द पकड़ने का एसपी ने किया है दावा। थाना पुआए के गंगसरा में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं बदमाश। जीबीएन 24 के लिए शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला की रिपोर्ट। हमारे गांव में इतनी दहशत है उनकी कि रात रात भर सोते नहीं। अब पुलिस प्रशासन से भी कहा गया, एसपी के पास ट्वीट किया, लेकिन कप्तान साहब से कोई रिस्पांस नहीं मिला। प्रशासन बिल्कुल पूरी तरह निष्क्रिय है हमारे यहाँ। हमारे पूर्व प्रधान श्यामपाल वर्मा जी जो हमारे पड़ोस में खड़े हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग रात रात भर अपने आप खड़ंजों पर, रास्तों पर गाँव की गश्त लगाते हैं। उनकी दहशत के कारण जब भी थोड़ी सी आहट मिलती है गाँव वाले फायरिंग करते हैं, चिल्लाते हैं, क्यों शाम को ही वो आ जाते हैं, सुबह तक रहते हैं। कल रात को 2-3 बार उन्हें गांव पर धावा बोला। एक तो इस बाग, यहाँ सामने वाला जो है पीछे आपके बाग है, इसी बाग में थे। इस बाग से जब भगाए गए, उसके बाद करीब लगभग रात के 1 बजे ये जो कमलेश दादा बैठे हैं, इनके दरवाजे पर इनकी गाड़ी के पास 2 आदमी देखे गए, काले कपड़ों में थे। फिर उन्हें वहाँ से जब भगाया खदेड़ा, भगे क्यों, गाँव की सक्रियता के कारण उनका बोर्ड नहीं घुस पा रहे हैं। केवल प्रशासन की किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं है हम लोगों को। ये 7 जुलाई को गंगसरा एक जगह है जहाँ पे एक मकान के बाहर से 6-7 लोग वहाँ से सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए देखे गए। ये ज़रूर क्रिमिनल ट्राइब्स के प्रतीत होते हैं। यहाँ पे जितने भी ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, उनकी बाकायदे डॉक्यूमेंटेशन है और हमारी सतत निगरानी भी है, और इस ओर प्रयास किया जा रहा है कि ये जो भी लोग होंगे इनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो पड़ोसी जिले हैं उनसे भी हमारा समन्वय बना हुआ है और हम लोग जो भी इंटेलिजेंस है उसको शेयर कर रहे हैं और जल्द ही ये गिरफ्त में होंगे। पहला गांव में काफ़ी लोगों ने कहा कि हमने खुद देखा हुआ है, वो लोग गाँव के अंदर भी आए हैं, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं हो सका है। थाना खुटार में ऐसी बातें आई थी। थाना खुटार के जो SHO हैं उनके द्वारा लगातार गश्त इत्यादि किया जा रहा है और किसी भी सूचना पर तत्काल रिस्पांस दिया जा रहा है। 112 की गाड़ियां उस क्षेत्र में ज़्यादा अब डिप्लॉय की गई हैं और रात्रि का गश्त भी इंश्योर किया जा रहा है कि उन इलाकों में पर्याप्त सतर्क निगरानी रखी जाए और बहुत जल्दी हम इस गैंग को वर्कआउट कर लेंगे।